ये बैठ जाए वरना हम वॉकआउट करेंगे, ये इजलास खत्म हो जाए। इनको तकलीफ देखे, रोजाना हम सुनते हैं इनकी बातें, इनको देखे जरा कितनी बर्दाश्त है इनके अंदर। वाह 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 वाह, कैसे नहीं चलेगा सेनेटर साहब, इधर जी स्पीकर ऑफ द हाउस खड़े हैं, इनकी सीढ़ियां बंद करें। आप अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, वाह वाह, जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, हुकूमत का ताल्लुक जुनून से होता ही नहीं है। मुशाहिदुल्लाह की सेनेट में ललकार, फवाद चौधरी पर वार, हंगामा खड़ा हो गया, ऐवान में शोर शराबा, बात न सुनने पर वॉकआउट की धमकी, सादिक संजरानी, शिबली फराज और रजा रब्बानी की भी एक न सुनी, हुकूमत ने धरने वालों से मुआहिदा किया, खुदाई इंसाफ शुरू हो गया, लीगी रुकन की बैरूनी इमदाद के लिए हुकूमत की कोशिशों पर भी तनकीद। जो डिवाइन का जस्टिस होता है ना, वो बड़ी जल्दी शुरू हो गया है इस दफा। सदा बड़ी अजीबोगरीब थी जो गली में वो लगा रहे थे कि दे जा सखिया राय, खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। तो चाइना ने तो अभी तक अपना बूटा लगाया नहीं है, सऊदी अरब शायद लगा दे। अपोजिशन को तकलीफ है कि एहतसाब क्यों शुरू किया, हिजब इख्तलाफ की ख्वाहिश के मुताबिक चोरी पर चोर का पहरा नहीं बिठा सकते, उन्होंने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चार्ट ऑफ करप्शन किया। फैसल जावेद का ऐवान बाला में मशाहिदुल्लाह को जवाब। गैर मुल्की मुआहिदे 15 दिन के अंदर, पार्लियामेंट में लाने का बिल सेनेट में पेश, रजा रब्बानी के बिल की नून लीग ने भी हिमायत कर दी। बैनुल अक्वामी मुआहिदों में तरामीम से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है, शाह महमूद कुरैशी का मौका। मगरमच्छों के पीछे जा रहे हैं, 700 अरब रुपए से ज्यादा बनता है, इसमें स्विस शामिल नहीं है। पनामा के बाद अब अकामा का हंगामा, 10 ममालिक में 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों ने 15 अरब डॉलर सरमाया लगाया, असासा जात की तफसीलात तलब, 5000 से ज्यादा जाली खाते मिल गए, बैंक अकाउंट के मालिक की तरफ भी इशारा। सब वाजे जानते हैं कि उन केसेस के पीछे कौन सा ग्रुप था, वो जितने अकाउंट्स हैं फेक अकाउंट्स वाले, जो इस वक्त बड़े बढ़ चढ़ के इस वक्त हमले कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा जमहूरियत खतरे में आ गई है, वही कार्रवाई है। जमानत मनसूखी का खदशा 1 माह के लिए टल गया, नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील काबिले समाअत करार, मुकदमे में लार्जर बेंच बना सकते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ का आज भी बयान रिकॉर्ड ना हो सका, फ्लैगशिप रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर पर जिरा, गवाह को जवाब देने में 4-4 लोग मदद कर रहे हैं, ख्वाजा हारिस की तनकीद, जो बात समझ आई लिखवा दी, मदद करने की बात दुरुस्त नहीं, जज का मुकालमा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़, एफआईए के सामने पेश 2 गवाह, गायब होने का इंकशाफ, निमर मजीद के घर में गढ़े और भेजे गए 154 अरब रुपए का भी पता है, फोन पर पूरे सिंध को डिक्टेट करने वाले अब्दुल गनी मजीद को अडियाला जेल मुंतकिल करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ओमनी ग्रुप कर्जों के बदले डिफेंस कराची की जायदादें और 3 मिल्स लेने पर आमादा, नेशनल बैंक ने पेशकश मुस्तरद कर दी, जेआईटी ने हतमी रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 दिन मांग लिए। आसफ जरदारी पैदाइशी तौर पे खाम माल है जेल का, वो कॉलेज में भी उसकी एक्टिविटी ऐसी थी, वो देखें उसको क्या फर्क पड़ता है जी। अब मैं कहूंगा ऐसे ही बड़ी अजीब बात निकल जाएगी। आसिफ जरदारी सिर्फ जेल का माल, सिर्फ 1 अकामे का अकाउंट सामने आ गया तो चीखें निकल जाएंगी, फालू देवाले का खाता खुला तो सब कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, शेख रशीद अहमद का दावा। ये बता के जी इस अकाउंट से पैसे निकले, तासुर ये बनाया जाता है कि ये पैसा जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से इसका ताल्लुक किसी तरह जुड़ता है, मैं बिल्कुल इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि जितने अकाउंट्स ये निकाले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की क़यादत का, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है।
जाली अकाउंट का मालिक कौन, चलाने वाला कौन, नाम सामने क्यों नहीं लाते, सही धनी के सवालात, खातों से पीपल्स पार्टी के ताल्लुक की तरदी। जहांगीर खान तरीन बेनामी अकाउंट्स के बानी, फवाद चौधरी लोटा, फैसल वावडा और अली जैदी अकामा होल्डर, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बरस पड़े, स्पीकर पंजाब असेंबली पर भी तनकीद। एहतसाब ब्यूरो के दो बड़ों की मुलाकात, चेयरमैन को डीजी नैब, लाहौर की मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग, जावेद इकबाल का ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन से खिताब, डूबे हुए पैसे वापस दिलाने की यकीन दहानी। नैब के तमाम अफसरान पर मीडिया को इंटरव्यू देने पर पाबंदी, केसेस पर सिर्फ चेयरमैन मौकफ देने के मजाज, एहतसाब ब्यूरो का ऐलामिया जारी। करप्ट अफराद ढूंढने हैं तो अपनी काबीना पर नजर मारे, शाहिद खाकानाबाजी का इमरान खान को मशवरा, आजियाना हाउसिंग स्कैंडल में जान नहीं तो शहबाज शरीफ के खिलाफ नया केस बना दिया गया, लाहौर में मीडिया टॉक। बगावत की कार्रवाई का केस, शाहिद खाकान अब्बासी और सरल अलमेडा लाहौर हाईकोर्ट में पेश, नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज। आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकात में तेजी, निजी बैंक में शहबाज शरीफ की 500 सफात पर मुश्तमिल तफसीलात नैब को फराहम कर दी। जुल्फी बुखारी नाअहली केस में वजीर आजम समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, दोहरी शहरियत वाला एमएनए और वजीर नहीं बन सकता, ओहदे इसलिए बनाए गए ताकि रुकने पार्लियामेंट ना बनने वाले को मुशीर लगाया जा सके, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की एक और दरखास्त आ गई, बैरून मुल्क बयान के लिए कमीशन बनाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटिशन, खसूसी अदालत का हुक्मनामा गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। साबिक हुक्मरानों ने इश्तिहारात को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, तहरीक इंसाफ हुकूमत कमर्शल्स पर कंट्रोल खत्म कर रही है, फवाद चौधरी का वीडियो पैगाम। सर्दियों में घरेलू सारेफीन लोड शेडिंग से मुस्तस्ना, बरामदी शोबे को भी गैस मिलेगी, ईसीसी का ऐलामिया, सुई सदन को सनतों के लिए लोड मैनेजमेंट का प्लान देने की हदायत, पीआईए को 70 अरब रुपए का मजीद पैकेज देने की मंजूरी। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम, अफरासियाब खटक और बुशरा गौहर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, एएनपी ने दोनों रहनुमाओं की रुकनियत मौत कर दी। 1969 से लेके 2018 तक हम इनको बाकायदगी से किराया देते रहे, आज ये हमें कहते हैं कि ये गैरकानूनी थे तो हमसे क्यों किराया ले रहे थे। रोशनियों के शहर को नीट एंड क्लीन बनाने का मिशन, कराची में 8वें रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, इम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द मजीद 250 से जायद दुकानें मसमार, सदर में पथारे मौजूद। जिनके कारोबार मुतासर हुए उनकी दादरसी करेंगे, सिंध हुकूमत का ऐलान, साइन बोर्ड की फीसेज ली तो जमा क्यों नहीं कराएं, ख्वाजा इजहार का सवाल। जमजमा कराची में रेस्टोरेंट से मुजरे सेहत खाने से जहां बहक दोनों बच्चे डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक, अहले खाना गम से निढाल, नमूने टेस्ट के लिए लाहौर भेजने पर गौर। पांच माह की तनख्वाहें अदा की जाए, शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन का लाहौर में एहतजाज, वजीर आजम और चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने की अपील। हॉलैंड का सफारतखाना सिक्योरिटी वजूहात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद, वीजों के लिए तयशुदा इंटरव्यू मंसूख, नई दरखास्तों की वसूली भी रोक दी गई।
पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने को तैयार। IMF को गर्दिशी कर्जे में कमी का प्लान पेश। पॉलिसी मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कड़ी शराइत लगाए जाने का इम्कान। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 11 पैसे महंगी, 133 रुपए 95 पैसे पर बंद। कराची वालों पर रोज नई आजमाइश, दो माह में पांचवा ब्रेकडाउन। शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम रहा। के इलेक्ट्रिक की फिर रिवायती तसल्लियां। फैसलाबाद में ATM भी गैर महफूज, लुटेरे ने सफाया कर दिया। 40 लाख रुपए चोरी, मुलजिम ऑटो टेलर मशीन ठीक करने वाली कंपनी का मुलाजिम निकला, पुलिस ने धर लिया। आशिक को डेढ़ होशियारी पड़ गई भारी। सियालकोट के अस्पताल में खातून से मिलने के लिए बुर्का पहनकर गया नौजवान, पकड़ा गया, पुलिस के हवाले। किनु मिलना सी? बेगम ने नहीं मिलना नहीं, अपनी बेगम नु मिलने लिए बुर्का बांधने की जरूरत है। पर उसके बाबा सर ना आला इस वास्ते। पहले चोरी शादी की थी, है कि करनी है? करनी है शादी, कोई नहीं होती, जो एक दूसरे लायक करने।